हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे आप लोग। ये 1 मीटर 4 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर यानी 1.25 मीटर कपड़ा है। इससे बनाएंगे हम 7 ईयर्स ओल्ड बेबी के लिए ड्रेस, अफगानी शलवार और उसका कुर्ता। तो ये हम पहले निकालेंगे अफगानी शलवार की नाप। ये आप अपने बेबी की लंबाई ले लीजिए, जितनी आपकी बेबी की लंबाई है, यानी हमारी बेबी की लेंथ, हम अपने बेबी की थोड़ी हाइट है उसकी ज़्यादा, तो उसके अकॉर्डिंग हमने 24 इंच की ले लिया है। उसको निकाल लेंगे कट करके, उसके बाद आपको बताते हैं। अब ये अफगानी शलवार का पीस निकाल लिया है। अब इसका नीचे से हम लेंथ लेंगे 4 इंच की और इसको निकाल लेंगे। इसे क्या करना है, पट्टी निकालना है, पट्टी निकालना है जो अफगानी शलवार में नीचे लगेगी, क्योंकि कपड़ा कुल टोटल यही है, तो इसमें से हम इसको कट करके निकाल लेंगे। तो ये पट्टी हमारी निकल गई है और ये है पूरा अफगानी शलवार का जो पीस है। इसको हम 2 पीस में कर देंगे, दोनों एक ही में मिक्स है तो दोनों को अलग कर देंगे। जो बड़ा वाला पीस हमने नाप करके निकाला था 24 इंच लेंथ का, उस पीस को बता रहे हैं। ये 2 पीस अलग अलग कर देंगे, ये दोनों पैचे हैं दोनों पैर के। अब अपनी बेबी की मोहरी के हिसाब से, अगर वो थोड़ा मोटी है तो थोड़ा आधा इंच बढ़ा दें, और इसमें चाहे तो आप डोरी लगा लें और चाहे तो यहाँ पे बटन का स्टेप लगाएंगे, उस हिसाब से आप काट लीजिए। तो ये नीचे की मोहरी है, 2 पीसेस अलग अलग निकाल लेंगे दोनों पैचे की, क्योंकि इसमें पड़ेगी चुन्नट और चुन्नट डाल करके इसी के हिसाब से एडजस्ट करना है, तो इसको बाद में सिलते हैं। अब चलिए पहले हम इसके जम्पर की कटिंग हमें करना है, तो पहले सारी शलवार कंप्लीट कटिंग करके अलग कर देते हैं। ये है मियानी जिसको बोलते हैं आसन, तो इसको हम लेंथ ले लेंगे 6 इंच और इसको कटिंग कर लेंगे तिरछा करके और इसको अलग रखेंगे। उसके बाद हम इसकी चौड़ाई 3 इंच है और लेंथ 6 इंच है, तो इसको अलग कर लेंगे कटिंग करके। उसके बाद इसको बीच से अलग कर लेंगे। उसके बाद हमें पहले जम्पर की कटिंग करके स्टिचिंग करनी है, ये लास्ट में शलवार सिलेंगे। तो हमारे साथ बने रहें वीडियो पर और बहुत ही अच्छी और बहुत ही ब्यूटीफुल सी फ्रॉक और जम्पर तैयार होगी। तो ये हमने लेंथ ले ली है जम्पर की 20 इंच और ये चौड़ाई ले ली। ये हम दोनों पीसेज देखिए, दो पीसेज रख करके इसको फोल्ड कर लेंगे, यानी ये 4 हो जाएगा। ये इस तरह से करेंगे, 4 फोल्ड कर लेंगे। अब हमें इस पर मार्किंग करनी है। अब ये शोल्डर लेंगे हम 15 इंच, आप अपने बेबी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, हमारी बेबी दुबली पतली सी है, तो ये 3 इंच चौड़ाई लेंगे गले की और 5.5 इंच लेंगे लेंथ इसकी, 6 इंच भी ले सकते हैं, तो वो आस्तीन की। और ये बैक नेक और सामने का नेक हमने 3.5 इंच सामने का लिया है, बैक का 2.5 इंच लिया है, अपने बेबी के अकॉर्डिंग आप जैसा पहनाते हो वैसा आप थोड़ा छोटा बड़ा कर सकते हैं गले को भी, और शोल्डर आप 5.5 से 6 इंच भी कर सकते हैं जैसी मोटी पतली हो। अब हमें हल्का सा 0.5 इंच डाउन करके ऊपर का मुड्ढा काटना है, क्योंकि डाउन रहता है तो बच्चे को वो बिल्कुल फिट बैठता है। अब हम पीछे का पल्ला हटा करके आगे का पल्ले का गला कट कर लेंगे, एक साथ मत काट दीजिएगा नहीं तो दोनों सेम हो जाएगा आगे पीछे का गला। ये कटिंग करने के बाद देखिए ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, और आगे का और पीछे का पल्ला सीधा साइड अंदर कर देंगे उल्टा बाहर को और दोनों मुड्ढा सिल लेंगे। ऊपर से सिलने के बाद हमें 1.5 इंच की स्टेप और एक पट्टी कट करके रखी है, ये प्लेन है क्योंकि इसमें कपड़े बचे नहीं है, तो ये हमें आगे से पीछे पूरा लगा लेना है डबल करके। डबल करके हमने लगा लिया है और इसको अंदर से नहीं लगाया बल्कि ये उल्टी तरफ से लगाकर सीधी तरफ पलटना है, क्योंकि हमें लगानी है लेस,
तो ये लेस लगाने के लिए इस तरह लगाएंगे तो ये बहुत अच्छा सा सफाई से बैठ जाता है। तो चलिए लेस लगाकर आते हैं, आपको दिखाते हैं मशीन पर लेस। देखिए कैसे लगा रहे हैं, इस तरह से पलट करके इसके अंदर, ये देखिए उल्टा सिलाई है, इसके ऊपर इस तरह रखेंगे और इस पर एक सिलाई लगा देंगे। ऐसे सिलाई लगाइएगा कि बिल्कुल ये बैठ जाए। ये कमीज तैयार हो गई, हमने आगे भी चौड़ी सी लेस लगा दी है शोल्डर पे भी, और मतलब आगे ये थोड़ा सा फ्लावर डेकोरेट कर देंगे गले पर, और आस्तीन पर हमने इसी तरह से सेम लगा ली है लेस। आपके पास जितनी लेस हो आप आगे पीछे पूरा लगा सकते हैं, हमारे पास इतनी थी तो लगा दी इसके अकॉर्डिंग। अब हम चलते हैं, इसको देखिए ये कितना प्यारा सा तैयार हुआ। अब इसके बाद आपको दिखाते हैं अफगानी शलवार किस तरह से स्टिच करते हैं। तो अब आते हैं मशीन पर अफगानी शलवार लेकर के, हमने एक एक इंच पर मार्किंग कर लेनी है उसकी, जो प्लेट्स डालते हैं अफगानी शलवार की, तो यहाँ पर हमने एक एक इंच की मार्किंग कर लेनी है। छोटे छोटे से स्ट्रोक लगा लेने हैं चौक से, उसके बाद ये स्ट्रोक लगाने के बाद मतलब जो प्ले वो चुन्नट पड़ जाएगी, उसके बाद हमें ये लेस इस पर लगानी है। वो भी सीधी साइड से लेस लगानी है, लेकिन उसके साथ साथ हमें पट्टी भी अटैच करनी है। तो चलिए हम पहले कर लेते हैं इस पे प्लेट्स, उसके बाद हम प्लेट्स लगाने के बाद, ये देखिए प्लेट्स इस तरह से लगाएंगे, इस पे एक स्टिच कर लेंगे बड़ी सी स्टिच, और ये जब बीच में पड़ेंगे तो बीच में इसी साइड से पलट देंगे। अब देखिए हमारी प्लेट्स पड़ गई है, अब इसके ऊपर हम एक इसकी लेस लगाने के बाद लेस रख लेंगे, उसके ऊपर एक पट्टी जो हमने कट की थी उसको साथ में अटैच करेंगे। तो वो पट्टी अलग से है, हमारी लेस लग गई है बड़ी बखिया करके। अब इस पट्टी को इसी के ऊपर सीधी साइड से, सीधा कपड़ा भी रहेगा सीधी पट्टी भी रहेगी, इस तरह से रख देंगे और इसको उलट करके अंदर की तरफ से सिलाई कर लेंगे। ये देखिए कितना प्यारा सा इसका लुक आया है, बहुत ही प्यारी सी तैयार हुई है। तो ये है अफगानी शलवार की मोहरी। तो ये हमने सिलाई भी लगा ली है, ये लग गई, देखिए कितना प्यारा सा इसका तैयार हुआ है। नीचे की ये मोहरी है, इसी तरह से हम दूसरी भी लगा लेंगे और इसी तरह से बना लेंगे। उसके बाद ये दोनों हमारी मोहरी तैयार हो गई, दोनों पैचे तैयार हो गए हैं। अब हमें इसकी मियानी लगानी है। मियानी की लेंथ आप अपनी बेबी की जैसे हिप हो उसकी मोटापे के हिसाब से आप लगाएंगे। यानी हमने लिया है 8 इंच का, क्योंकि हमें 2 इंच ऊपर पट्टी डालनी है, इसकी लेंथ छोटी पड़ रही है थोड़ी सी, तो हम इसकी जो इलास्टिक डालेंगे तो उसके अकॉर्डिंग, वैसे ये 10 इंच रखिए तो बेस्ट होता है, 10 इंच पर ही लगाना चाहिए। और थोड़ी सी लेंथ हमें बढ़ानी थी, लेकिन बाद में हमने लेंथ जो है घटा दी, क्योंकि स्टिच करते टाइम क्योंकि ज़्यादा लंबा हो रहा था, तो इसको 10 इंच पे ही लगाइएगा। और उसके बाद आप चाहें तो इलास्टिक को अलग से ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारी, अब ये इलास्टिक के लिए हमने 2 इंच की पट्टी लगा दी है, ये 2 इंच की पट्टी। उसके बाद हम इसको पलट करके और इसमें लेस लगाएंगे। तो बने रहे हमारे साथ, बहुत ही अच्छी प्यारी सी ड्रेस तैयार होने वाली है। ये 20 इंच लेंथ है इलास्टिक की, और इस तरह से रख करके इस पर 2 सिलाई इधर से लगा के मजबूती से इसको स्टिच कर लेंगे, और इसको इसी तरह से जैसे इलास्टिक लगाते हैं, बहुत सारी वीडियो हमारी इस चैनल पर है, हम आपको लिंक भी दे देंगे, इलास्टिक इस तरह से लगा लेंगे पलट करके, और उसके बाद एक सिलाई मार देंगे, इलास्टिक खिसके ना। अब इसको देखिए बराबर करके उलट करके एक सिलाई पूरा यहाँ से देखिए उलट दिया हमने, इस तरह से पूरी सिलाई लगा लेंगे, डबल करके लगाएंगे। आप चाहे तो मोहरी पर बटन वगैरह लगा सकते हैं तो खोल सकते हैं, या डोरी भी लगा सकते हैं। तो हमने सीधा सीधा सिल दिया है। तो ये हमारी ड्रेस तैयार है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।